औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़ारों लाखों करोड़ों दुरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। दोस्तों, लाला जी माजर बराह रास्त रावलपिंडी अमरपुरा से आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और मैं इस वक्त उस्ताद मलक नाजी पार्टी, उस्ताद मलक सलीम पार्टी, उनके सरबराह जो मौजूदा सरबराह हैं उस्ताद मलक अज़हर, वो मेरे साथ मौजूद है और हम इस वक्त उनके खलीफा हैं। ये आप देख रहे हैं हाजी साकत साहब, वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। दोस्तों, उनकी छत पर मौजूद हूँ। गुज़श्ता रोज़ उस्ताद मलक नाजी पार्टी और उस्ताद मलक सलीम और उस्ताद लाल उस्ताद, उनकी ज़ेर निगरानी एक बहुत बड़ी रस्म उस्तादी शागिर्दी की तकरीब भी हुई। तो मैं इन तमाम दोस्तों का, जितने भी पार्टी अरकान हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद के, जिनका तल्लक उस्ताद मलक अज़हर से है, उस्ताद मलक सलीम साहब से है, मलक नाजी साहब से है, मैं उन तमाम दोस्तों का मशहूर हूँ कि उन्होंने पिजन स्पोर्ट्स मैगज़ीन को ये मौका दिया कि आज मैं रावलपिंडी का चौक आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके साथ साथ दोस्तों, मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी जो है वो बड़ी मसरूफ़ है। आजी साहब ने, आप यकीन करें कि अभी भी वो थोड़ी देर पहले वीडियो बनाने से पहले ये कह रहे थे कि राणा जी मैं अपने काम से उठ के आया हूँ। इनकी बड़ी मेहरबानी, इन्होंने बड़ा टाइम दिया। इस तरह उस्ताद मलक अज़हर साहब ने, उस्ताद काका साहब हैं, उस्ताद महबूब भाई हैं, साकब भाई हैं, आबद भाई हैं, छोटे भाई हैं हाजी साहब के, इसी तरह तैमूर भाई, राशिद साहब, मैं तमाम दोस्तों का इंतहाई मशहूर हूँ। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ कि रावलपिंडी को भी पाकिस्तान के बाकी शहरों की तरह, अगर आप रावलपिंडी की फने कबूतर परवी पर नज़र डालें तो यहाँ भी आपको, थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बड़े अच्छे कबूतर दिखाए और उम्मीद है इंशाल्लाह कि हाजी साहब की छत से भी आपको जो शौक करवाया जाएगा वो मेरे तमाम दोस्तों को वो पसंद आएगा। तो हाजी साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे जी? खूबसूरत सी बात करें शौक के हवाले से, ताकि लोगों को पसंद आए वो बात। मेरी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस यही है कि उस्ताद की रहनुमाई में और उस्ताद की खिदमत में अगर जितनी भी मेहनत हो सके और उस्ताद से कुछ सीखना है तो सीख लो, और वही इंसान का सारा सरमाया है कि ज़िंदगी का, इंसान का एक मिनट का भरोसा नहीं है, और उन कदर उन मोतियों को अपनी ज़िंदगी में इकट्ठा कर लो, और उस्ताद की रहनुमाई से इंसान जो कुछ हासिल करना चाहे कर सकता है। ये इंसान की अपनी मेहनत है और इंसान की सारी जद्दोजहद है, और उस्ताद जी की बड़ी मेहरबानी, और उस्ताद जी ने जहाँ इस मुकाम तक मुझे पहुँचाया है, इस इज़्ज़त तक पहुँचाया है, ये सारी मेरे उस्ताद जी की मेहनत है और सारी इन्हीं की दौड़ सारी कुछ यही इनकी है। बस शुक्रिया, मैं यही कहना चाहूँगा। तो बाजी साहब, ये जो जा साहब का जो शौक गुजरा है 2018 का, तो उसमें आपने अपनी छत उड़ाई थी? जी, छत उड़ी थी मेरी, तकरीबन 7 घरों से बाजी लगी थी, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह 3 घरों से मुकम्मल एवरेज और बाजी जीती है, 2 घरों से एवरेज जीती है और 1 घर से मुकम्मल हार हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, अच्छा रिजल्ट निकला है, तकरीबन 6 घरों से हमने बाजी अच्छी जीती है। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ कि स्पोर्ट्समैनशिप का मतलब भी यही है कि आप हार और जीत की परवाह किए बगैर जिस वक्त आप ग्राउंड में रहते हैं तो वही आदमी जो है वो खिलाड़ी होता है। यहाँ मैं आपको उस्ताद चौधरी मोहम्मद अनवर नंबरदार ऑफ मरहूम गुजरात, उनके मुझे अल्फाज बारह ही याद आते हैं कि खिलाड़ी वही होता है जो मैदान में रहे। अगर किसी ने हार की जो है खौफ से वो मैदान में नहीं आएगा तो कभी खिलाड़ी नहीं बन सकता। हमेशा दोस्तों, आप ज़िंदगी में इंसान को कई ठोकरें लगती हैं, कई मामलात ऐसे आते हैं, कई हारें ऐसी होती हैं कि वो आपको आगे जाके चैंपियन बना देती हैं। साकिब भाई, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और कुछ कहना चाहेंगे आप? अज़र भाई, आप थोड़ा ले आगे। ये हमारे शिगिर्द कृपा थे हाजी साहब को, बहुत अच्छा माशाल्लाह शौक किया है, बहुत उस्ताद की इज्जत करते हैं, इकराम अल्लाह पाक ने इनको बहुत इज्जत दी है। तो दोस्तों, क्या खूब जुमला किसी ने कहा था कि बादब बामुराद बेअदब बेमुराद। मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी का कोई भी अगर शोबा है उसमें आपको जो हुनर सिखाने वाले हैं किंग, ज़िंदगी के बहुत सारे शोबा जाते हैं दोस्तों। आपकी पहली दस्तगाह जो होती है वो आपकी माँ की गोद होती है, उसके बाद आप स्कूल जाते हैं, फिर आप अपनी माशी ज़िंदगी को गुजारने के लिए चंद फ़नून के इलम जो है वो हासिल करते हैं। इसी तरह आपका फन कबूतर परवी का शोबा भी जो है, इसमें भी उस्ताद का एक बड़ा अमल दखल है। और मैं समझता हूँ कि खुशनसीब हैं वो दोस्त, खुशनसीब हैं वो शागिर्द जिनको
अच्छे उस्तादों की रहनुमाई हो, मुखलिस उस्तादों की रहनुमाई हो। इस हवाले से साकिब साहब भी उन खुश नसीबों में शामिल हैं कि जिन्हें एक अच्छे घर की रहनुमाई है। तो दोस्तों, साकिब भाई आपका टाइम हम अरेंज नहीं करेंगे, अभी आप जाएँ इंशाल्लाह, आप जाके देखें, हम आपके कबूतरों का शौक करवा दोस्तों। अब ये हाजी साहब जाने से पहले वो कह रहे थे कि लाला जी इब्तदा जो शो किया है मैं खुद करवा के जा रहा हूँ, तो वो आपको एक कबूतर अपना दिखा सामने रहे हैं। सामने 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 छाती बहो, सामने ऐसा सामने छाती बहो पकड़ के। ये सब केड़ा कबूतर है जी? है जी, ये कबूतर हम साडे टेडी कबूतर, इनन दा नाम है बब्बर शेर, कालू टेडी बब्बर शेर इनन की कहने है। पल्ला देखो तो दोस्तों, ये हाजी साकिब साहब जो है आपको अपने घर की बब्बर शेर ब्रीड टैडी नस्ल में ये कबूतर उनका ये शौक आपको करवा रहे हैं। दूजे पल्ला वो परला परला कुंडा अंदर रखो, कहते सामने छाती ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਹਿਬ? ਇਹ ਵੀ ਟੈਡੀ ਹੈ ਜੀ? ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਕਬੂਤਰਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਹਨ ਜੀ, ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਚੋਂ। ਜੀ ਜੀ, हाँ जी, कबूतर किसी बंदे नूं पसंद आ रहे हैं तो दसो जी, कमेंट करो नाल जी। ठीक हो गया। यह केड़ी है जी नसल है जी? ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਦਿਲ ਜਿੰਨ ਮਾਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੇਰ ਦਿਲ ਜਿੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਹੋ, ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਹ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ। ਸ਼ੇਰ ਦਿਲ ਜਿੰਨ ਮਾਦੀ ਜੀ, ਐਤਕੀ ਇਸ ਦੀ ਪੱਠੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਬੈਠੀ ਹੈ। 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 7:22 ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਠੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਠੇ ਅੱਗੇ 6:30 6:45 ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਠਿਆਂ ਪੱਠੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ
डबल अद कावा एक डबल ले आओ है केज भी बढ़ाओ ना केज भी खाओ ना केज तो सामने दिखाओ केज जोड़े दे केज ने जी सामने सामने छाती बहो पहले सामने कबूतर भी दसी जाओ डब वाले जी अपना नाम भी दसी जाओ एक डब वाले जी कबूतर वहा रहे हैं तुहानू जी।